अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नसीमास कुक बुक। आज हम बनाएंगे एक शरबत जो गर्मियों में आपको बहुत ही राहत देगा, आपको लू से बचाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है दो बेल, इसे वुड एप्पल भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने दो पीस लिया है, इसे मैंने तोड़ लिया है। अभी मैं एक पीस से ही बनाऊँगी और बाकी का एक पीस मैं बाद में बनाऊँगी। इसे तोड़ने पर इस तरह का पल्प निकलता है, इसे हमें चम्मच से अच्छी तरह से निकाल लेना है। थोड़ा टाइट होता है इसलिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, पर ये बहुत ही हेल्दी होता है। समर में आप इसका अगर जूस पीते हैं तो आपको बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ही बेनिफिट देते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से पल्प निकाल लिए हैं और इसे मैं आधा कप पानी डालूँगी और डालकर मैं इसे भिगो कर रखूँगी। तो ये पल्प सॉफ्ट होने के लिए हमें थोड़ी टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें वरना काफ़ी रनी हो जाता है। तो इसे मैं इस तरह से तोड़ दूँगी। तोड़ने के बाद ये देखिए, हाथ से आपको इसे तोड़ देना है और तोड़ने के बाद मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं, गर्मियों में अक्सर मिलते हैं और ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। तो आप इसे ऐसे खा सकते हैं, बट ऐसे खाना बहुत टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो इसका शरबत हमें बहुत ही राहत देता है। तो शरबत बनाने के लिए मैं इसे आधे घंटे के लिए भिगोई हूँ। इसके बाद देखिए, पल्प हमारा सॉफ्ट हो गया है, इसे मैं अब छान लूँगी। सबसे पहले मैं इसमें जो भी बड़े बड़े रेशे हैं ना, वो मैं निकाल दूँगी। वो मैं हाथ से इस तरह से निकाल दूँगी, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा छलनी से छानने में। तो इस तरह से दबाते हुए आप निकाल दीजिए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये जो भी इसमें बीज होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, तब हमें आसानी होती है छलनी से छानने में। तो बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसे छलनी से छान लूँगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रनी मुझे नहीं चाहिए, हल्का सा गाढ़ा ही रखना है। इसलिए बस इस तरह से आप छानेंगे तो इसका पल्प सारा निकल जाता है, इस तरह से देखिए, और ये एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। तो इसे बस इसी तरह से चलाते हुए, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, वरना आप इसी तरह से इसे छान लीजिए। तो बस इस तरह से आपको निकालना है। बेल में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसके अलावा भी ये आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको मदद करता है, और अगर किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उससे भी ये क्योर करता है। तो इसलिए बेल आप ज़रूर पिया कीजिए, या फिर आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। थोड़ा पानी डालकर मैं इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करूँगी। अभी देखिए, ये काफ़ी थिक है और स्मूथ सा एक पेस्ट हमें मिल गया है। तो यहाँ पे मैं और आधा कप पानी डालूँगी और इसके मैं रनी बना लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं रनी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा मैं पल्पी सा गाढ़ा सा रखूँगी, ऐसे ही पीने में ये अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं बस 2 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। काफ़ी मीठा होता है, वैसे तो चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको अगर फीका लग रहा हो तो आप थोड़ा चीनी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाल दिया है चाट का मसाला। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं और ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ इसका टेस्ट, इसलिए मैंने चाट मसाला डाला है। बस हो गया ये रेडी। कितनी जल्दी तैयार हो जाता है और पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही गाढ़ा पल्पी सा एक जूस। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।